छतरपुर जिले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल जनता के लिए फ्री की बिजली दे रहे हैं। इसके साथ ही अनेक योजनाएं भी चला रहे हैं जिन्हें जनता लगातार पसंद कर रही है। अब बारी मध्य प्रदेश की है जहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है। सीएम मान ने कहा कि ये बीजेपी कांग्रेस वाले 4 साल तो जनता को लूटते हैं और आखिरी साल में लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। इलेक्शन आ रहा है और मध्य प्रदेश की जनता जो है पिछले 18 साल से पिस रही है, भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है। और मध्य प्रदेश को तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, पहाड़ दिए, नदियां दी, जंगल दिया, लेकिन इस प्रदेश का जो जितना इस प्रदेश के साथ हुआ ये बहुत व्यापक जैसे घोटाले यहाँ पे हुए। और अगर जनता बदल भी दे तो वो भी दोबारा MLA खरीद के दोबारा फिर सरकार बना लेते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में है। दिल्ली और पंजाब में हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली पानी में, रोजगार में, व्यापार में काम कर रहे हैं और वही संदेश लेकर मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको किस तरीके से मुकाबला होगा? तो जनता बताएगी, लेकिन मुझे पत्रकारों ने पूछा था।